हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि सैंगर, मैं चैनल यूट्यूबर एक्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं रैम के बारे में। आप सभी के मोबाइल में रैम होती है, किसी के में 2 GB, किसी के में 3 GB, किसी के में 4 GB और किसी के में इससे भी ज़्यादा। वो लोग रैम का यूज़ करते हैं, जब स्मार्टफोन लेते हैं तो उसमें देखते हैं कितनी उसकी इंटरनल मेमोरी है, कितनी उसकी रैम है। तो उसी के बारे में आज मैं आपसे बात करूँगा, कितनी रैम आपके स्मार्टफोन के लिए ज़रूरी है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आइए चलिए। देखिए फ्रेंड, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऐसे तो इसका पता नहीं चलता है, आइए अब अपन डिटेल में बात करते हैं। रैम जब भी आप स्मार्टफोन लेने चाहते हैं तो वहाँ पे दिखता है 2 GB रैम 16 GB इंटरनल, 3 GB रैम 32 GB इंटरनल, 4 GB रैम 64 GB इंटरनल। तो आखिर रैम होती क्या है फ्रेंड? तो रैम होती है फ्रेंड जो आपके स्मार्टफोन को फास्ट बनाती है, एक ऐसी चीज है कि जिससे आपका स्मार्टफोन अच्छा होता है, लैग नहीं करता है। ऐसे इन सब प्रॉब्लम से बचाने के लिए रैम पावरफुल होनी जरूरी है फ्रेंड्स। 64 GB इंटरनल में जितना पैसा लगता है बनाने में, उतना ही पैसा 1 GB रैम में लगता है फ्रेंड्स। तो 1 GB और 16 GB रैम में क्या डिफरेंस है फ्रेंड्स? रोम और रैम में डिफरेंस इतना सा है फ्रेंड्स कि मान लीजिए इस डेस्क पे कुछ काम करना है मेरे लिए, मान लीजिए ज्यादा फाइल से काम करना है आपके लिए, यहाँ पर मेरे लिए रिव्यूज भी बताना है, किसी मोबाइल की अनबॉक्सिंग भी करना है और ऐसे करके कोई मल्टीटास्किंग जैसे काम करना है इस छोटी सी डेस्क पर, तो मान लीजिए इतना सारा सामान इस डेस्क पे कैसे आएगा? तो ये हो गई रैम आपकी, और जहां पर अभी वो सामान पूरा रखा है वो हो गई आपकी इंटरनल स्टोरेज। मान लीजिए मेरे रूम में रखा है वो सामान, तो वो हो गया इंटरनल स्टोरेज, और जितनी जगह में रख के मैं उसको काम कर रहा हूँ वो हो गई आपकी रैम। ऐसे ही होता है मोबाइल में फ्रेंड्स, जो आपके एप्स होते हैं, आपके डाटा होता है, वो आपका होता तो है आपका इंटरनल स्टोरेज में, बट जब आप उसको एक्सेस करते हैं, जब उसको रन करते हैं, तो वो आ जाता है आपकी रैम में। इसलिए रैम जरूरी होती है, जितनी फास्ट रैम होगी उतना आपका स्मार्टफोन लैग नहीं करेगा। आज जो एप्स आ गए हैं बहुत ही ज़्यादा बड़े आ गए हैं, उनका साइज बहुत ज़्यादा हो गया, फिर आप फेसबुक ले लो, व्हाट्सएप ले लो या फिर आप गेम्स ले लो, गेम्स के जो साइज की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आज हमारे लिए 2-3 GB के गेम आ गए हैं। अब उनको रन करने के लिए आप अगर 1 GB में करेंगे तो सोचिए फ्रेंड्स, अगर आप 1 GB पर 2 GB का लोड डालेंगे तो वो कैसे आपका मोबाइल हैंक नहीं करेगा फ्रेंड्स? इंटरनल स्टोरेज कितनी भी हो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं मेमोरी कार्ड डालकर, बट रैम पावरफुल होना जरूरी है जिससे आपका मोबाइल हैंक नहीं करे, और इस चक्कर में रैम पावरफुल होना जरूरी है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, आप जैसे समझ गए होंगे इस एरिया से कि ये इतना छोटा है, यहाँ पर आप ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते। अगर इसमें ज़्यादा स्पेस होता तो यहाँ पर आप ज़्यादा फाइल्स ला के मल्टीटास्किंग कर सकते थे, जिससे यहाँ से वहाँ नहीं गिरती। ऐसे ही रैम का काम है। अभी आप देख लीजिए आपके मोबाइल की 1 GB की रैम है तो आप 250 MB के 4 सॉफ्टवेयर एक टाइम पर चला सकते हैं। मान लीजिए 4 ऐप आप खोले रखे हैं, उसके बाद 5th ऐप खोलते हैं तो आपका जो फर्स्ट वाला ऐप था वो वाला वहां पर क्लोज कर दिया जाता है, जिससे रैम फ्री हो जाए और 4 को अच्छे से चला सके। फिर जब आप रिटर्न उस फर्स्ट वाले पर जाएंगे फ्रेंड, तो वो 10-15 सेकंड का टाइम लेगा उसको रीओपन करने के लिए, और फिर सेकंड वाला ऑफ हो जाएगा। ऐसे करके जितनी मेमोरी होती है उस हिसाब से आपके एप्स चलते हैं। आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो उसके लिए आपके लिए ज्यादा रैम की जरूरत पड़ती है फ्रेंड्स। से आप समझ तो गए होंगे कि रैम आपके मोबाइल में किस लिए वो यूज की जाती है आपके स्मार्टफोन में। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आपके लिए कितनी रैम यूजफुल है आपके लिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब आप सोच लीजिए आपके पास 2 GB का गेम है, फिर वो पबजी ले लो या फोर्टनाइट ले लो, 2 GB का गेम है, उसको आप रन करते हैं, उसके बाद कुछ ऐप्स भी खोले हैं, जैसे आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये तो खुले ही रहते हैं फ्रेंड, तो ये समझ लीजिए समथिंग 4 GB तो आपके लिए ऑब्वियसली चाहिए ही है। आपका मोबाइल हैंग ना हो उसके लिए आपके लिए 4 GB रैम तो चाहिए ही है। इस चक्कर में 4 GB रैम के साथ साथ आपके लिए प्रोसेसर भी चाहिए, रैम ही सब कुछ नहीं होती। आप सोचते हैं कि 30,000 वाले में भी 3 GB रैम है और 8,000 वाले में भी 3 GB रैम है, इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें प्रोसेसर का डिफरेंस है। मान लीजिए ये फाइल वहाँ पर है, ये तो स्पेस बहुत बड़ा है, वो फाइल वहाँ पर रखिए, वो स्पेस वहाँ से यहाँ तक लाने के लिए मान लीजिए एक कोई वर्कर है, वो काम स्लो करता है, तो मतलब वो है आपका प्रोसेसर जो वहां से यहाँ तक फाइल लाने में आपका थोड़ा सा टाइम ले रहा है।
अगर वो ही वर्कर फास्ट हो तो आपका काम कितने जल्दी होगा। ऐसे ही प्रोसेसर वर्क करता है। अगर आपका प्रोसेसर फास्ट होगा तो आपकी फाइल जल्दी ओपन होगी, आपका काम जल्दी कंप्लीट होगा और रैम का जल्दी से यूज होगा। इसलिए प्रोसेसर के बेसिस पर भी रैम डिपेंड करती है कि आपका प्रोसेसर कितना फास्ट है, उसी हिसाब से रैम वर्क करेगी फ्रेंड्स। तो ऐसे ही मान लीजिए 2 GB रैम है और इतने सारे ऐप, तो समथिंग 4 GB आपके लिए जरूरी ही है। 4 GB रैम आज आपके लिए यूजफुल है। उसके बाद आप ज्यादा रैम लेते हैं तो कोई इसमें घाटा नहीं है आपके लिए, आगे फ्यूचर में वो और आपके लिए ज्यादा अच्छी रहेगी। आज आपके लिए 4 GB का गेम है, कल को 8 का भी होगा। आज 4 GB की जो चीज है वो कल को 8 की भी होगी। कुछ टाइम पहले फोटोज KB में आती थी, आज हर फोटो एक जो पोर्ट्रेट मोड वाली फोटो है बड़े बड़े स्मार्टफोन की, वो आपकी 10 MB तक की फोटोज क्लिक हो जाती है स्मार्टफोन से। तो ऐसे करके साइज बढ़ता जा रहा है, स्टोरेज भी बढ़ती जा रही है। जब 128 GB की स्टोरेज होगी तो उसके लिए रैम भी चाहिए होगी 4 से 6 GB की, जिससे वो उतना सर्व कर सके, उस स्पीड को कवर कर सके। प्रोसेसर फास्ट होना चाहिए, ये काम करती है रैम। तो 4 GB की रैम आज आपके लिए यूजफुल है। इससे ज्यादा लेते हैं तो वो आपके लिए फ्यूचर में अच्छा होगा फ्रेंड्स। इससे कम लेते हैं तो आपको हैंग की प्रॉब्लम आती है। आप कोई सा स्मार्टफोन लेते हैं तो फिर उसकी बुराई करते हैं कि ये स्मार्टफोन हैंग होता है। हैंग नहीं होता है गाइस, उसमें क्या होता है कि वो ऐप आप यूज करते हैं, इतने सारे ऐप आप उस पर चला लेंगे, उसकी रैम है 2 GB और उस पर ऐप चलाएंगे आप 4 GB के, वो कैसे हैंग नहीं करेगा। यही प्रॉब्लम है। रैम का पूरा टॉपिक मैंने आपके लिए क्लियर कर दिया है। अगर आपको यह टॉपिक समझ में आया है तो नीचे जाके कमेंट में मुझे जरूर बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी, और मेरी पुरानी वीडियोस को देखें। अगर आप वो भी वीडियोस अच्छी लगती है तो उन वीडियो को लाइक करें, मुझे मोटिवेट करें, नीचे कमेंट में जाके मुझे सजेशन दें और मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। मैं आपके लिए वहां पर एक डेली टेक न्यूज अपलोड करता हूं जो आपके लिए बहुत ही अच्छी लगेगी फ्रेंड्स। फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। Like the video, comment below. Thank you for watching, friends.